आज विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 66 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था। कानून व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, कानून व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, नीचे चलो, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कानून व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, कानून व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, नीचे, नीचे, सर, थोड़ा नीचे चलते हैं, रुक जाओ यार, धनंजय मुंडे आज विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 66 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था। और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक घटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग तीन लड़कों की पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं, उनमें से एक की मौके पर वहां पर मौत हो जाती है, एक पीजीआई में एडमिट है, एक पंचकुला के हॉस्पिटल में एडमिट है और दोनों गंभीर है। और यह घटना एक घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा हो गया पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में। और इससे पहले हाल ही में आप देख रहे होंगे कि बिलासपुर में घटना घटित होती है कि वहां पर कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे लाए गए और उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग से एक नौजवान वहां पर घायल होता है। और इस बात को लेकर के भी ये जरूरी है कि जो वहां से गुंडे लाने वाले लोग थे उनमें से एक पूर्व विधायक का बेटा। और जिस प्रकार से और भी बहुत सारी अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में, यहां पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस थाने के अंदर लोग घुस करके वहां पर अफरा तफरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। माल रोड के हमारे पुलिस के कंट्रोल रूम के सामने वहां पर एक युवक की हत्या हो जाती है। अनेकों क्रम इस प्रकार के हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और हिमाचल प्रदेश में पूरी सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को प्रताड़ित करना, उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना और इसके अलावा हमारे चुने हुए विधायकों को 4-4 घंटे पुलिस स्टेशन पर बिठा करके उनको प्रताड़ित करने के लिए इस काम में लगाते रखा हुआ है। और कुछ लोगों को इतनी सुरक्षा दे रखी है Z+ की कैटेगरी से भी ज्यादा, चाहे वो CPS है, चाहे वो चेयरमैन है, कोई भी आदमी जो है वो सुरक्षा के बिना नियम, आगे पायलट चलती है, पीछे एस्कॉर्ट चलती है, पुलिस ऐसे काम में लगा के रखी है। शिमला में पुलिस हेडक्वार्टर में 25 के करीब अधिकारी हैं जिनको कोई काम नहीं है, लीव रिजर्व की वहां पर उनके जो है वहां पर पोस्टिंग दे रखी है, जहां एक भी कुर्सी बैठने के लिए उनके पास नहीं है, ना कोई काम है। आखिरकार ये हो कह रहा है। अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब देकर के इस सारी चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश की, मेरा यह मानना है कि ना मुख्यमंत्री जी गंभीरता से ले रहे हैं, और जहां मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिट्ठे के और जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग का जो माफिया है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला है, जुड़ा हुआ जिस मर्जी से हो, लेकिन कार्रवाई तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अभी तक जो जानकारी मिली है बद्दी वाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी 15 लोग कहां जिनकी वीडियो बनी पड़ी हुई है, जो पिटाई करते डांग से सिर पे मार रहे हैं और चौक पे मार रहे हैं, सबके सामने मार रहे हैं, वो लोग कौन है? वो भी ड्रग माफिया हैं, लेकिन संरक्षण उनको प्राप्त है, इस कारण से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
उनमें से चुना जा रहा है कि किस आदमी को गिरफ्तार करना है और किसको नहीं करना है। इसलिए इस चर्चा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज सारी कार्यवाही स्थगित करके इस विषय पर चर्चा होना बहुत लाजमी था। पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार की हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं और ड्रग्स का तो प्रचलन इस प्रकार से बढ़ गया कि जो खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घटना ड्रग्स से जुड़ी हुई, तो ये कोई अच्छी खबर है क्या? तो ऐसे में आज इस पर चर्चा नहीं देना, हालांकि मुझे लग रहा था अध्यक्ष मोदी जी का मन बन रहा था, लेकिन सरकार के दबाव में मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बार बार इस बात को, इस चर्चा को रोकना चाह रहे थे। अरे चर्चा कब तक रोकेंगे, जो प्रदेश में हालात क्या बन गए हुए। इसलिए हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी थी, चर्चा नहीं मिली, हमने वॉकआउट किया। असर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि जिस तरह आपके विधायक ने एक युवती के प्रति भाषा का इस्तेमाल किया है उसका जवाब भी विपक्ष को देना चाहिए, और साथ में कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की है उस पर भी। देखिए कंगना रनौत वाला विषय बहुत अलग तरह का, पार्टी ने संज्ञान लिया, सारे विषय पर उससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो फिलहाल देखिए ये नियम शासन के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यहाँ पर चर्चा मांगी गई थी विपक्ष की ओर से, लेकिन ये बात कहकर मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो चुकी है और जो पीड़ित लोग भी थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन विपक्ष के नेताओं का कहना है कि तकरीबन इसमें 15 से ज्यादा लोग संलिप्त थे जो कि वीडियो में देखे जा सकते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जरूरी है कि इस पर कुछ उचित कदम उठाए जाए और इस पर चर्चा होनी चाहिए।